द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डाक टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली। रक्तदान महादान, आपका रक्त कई परिवारों को खुशियां लौटा सकता है। ऐसे ही परिवारों को खुशियां लौटाने का कार्य सिंधु समाज रायबरेली द्वारा विगत कई वर्षों से 1 नवंबर को जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय में लगातार किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधु समाज रायबरेली के परम संत भगत कंवर राम साहिब जी की शहीदी बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर सिंधु समाज रायबरेली द्वारा जिला चिकित्सालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन CMS डॉक्टर NK श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया। सिंधु समाज के हर आयु वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं रक्तदान कर श्री संत श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिंधु समाज के संरक्षक विशंभर जीवनानी ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय रायबरेली के ब्लड बैंक को समाज द्वारा 35 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी राकेश चंदनानी द्वारा किया गया। धन्यवाद महामंत्री संजय बलेचा द्वारा दिया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष संतोष चैनानी, सुखुलाल चंदवानी, मनीषा अंजलि करुड़ा, हंसराज सावलानी, भीमसेन राजपाल, रितेश बलेचा, सागर, करण अक्षय, राजेश चंदानी, राजदेव आदि समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। डाक टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। मैं विशंभर जी नानी, संरक्षक सिंधु समाज रायबरेली। सर, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? ये रक्तदान का कार्यक्रम है जो हमारे अमर शहीद संत कंवर राम साहब के बलिदान दिवस के दिन मनाया जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो ये हमारे संत जी जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और वहीं पे इनका कार्यक्षेत्र रहा, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इन्होंने अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में, अपाहिज लोगों की सेवा में लगा दिया। क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान एक थे तो इनसे मुसलमान भी आकर्षित होते थे और बहुत ही अधिक संख्या में मुसलमान इनके भक्त बनते जा रहे थे, जो कट्टरवादी मुसलमानों को पसंद नहीं था। और एक रुख स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे इनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। इन्होंने अपना रक्त जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहाया। इसी संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चूँकि इन्होंने रक्त अपना हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए बहाया था, तो हम लोग चाहते हैं कि इसी दिन ये शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जनपद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और इस दिन सिंधी भाई जो होता है, बहन होती है, वो अपना रक्तदान देकर इस उद्देश्य को पूरा करने में आगे बढ़ता है। हम लोगों का उद्देश्य है कि संत जी ने अपना रक्त एकता के लिए बहाया था और हम अपना रक्त जो है समाज की एकता के लिए देते हैं, ताकि जो है कि हमारा समाज एकजुट रहे, हमारा देश एकजुट रहे और तरक्की के रास्ते पे देश बढ़ता रहे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय। बोलिए सर। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।